हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है विकी टेल्स पे। तो अभी आज 20 तारीख है, 20 सितंबर, और आज ही मेरा बर्थडे है। तो आज मैंने खुद के लिए ही गिफ्ट किया खुद को, iPhone 16 प्रो तो नहीं मिला, फिर मैंने iPhone 16 प्लस लिया खुद के लिए। और मैंने बोला चलो बाहर आए तो क्यों छोड़ा जाए, लिया जाए। तो सॉरी, थोड़ी वीडियो भी बनाई है, मैं शॉर्ट्स वो शेयर कर रहा हूँ, भी आप आगे देखेंगे। तो जब तक आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, तब तक साथ में बात भी करते हैं, एंजॉय कीजिए शॉर्ट्स को भी, क्योंकि मैंने सोचा खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना ही चाहिए, तो क्यों ना, आईफोन से बेटर कोई गिफ्ट नहीं है। तो मैंने खुद के लिए परचेज किया। और रही बात लुक एंड फील की, बहुत अच्छा लुक एंड फील है आईफोन का, और 15 से थोड़ा बेटर है, थोड़ा सा बेटर है। मुझे तो मेरे दोस्त सजेस्ट कर रहे थे कि 15 प्रो ले लो, 16 लेने से सेम सेम ही है, बट नहीं, अब जब 16 आया तो 15 लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो 16 परचेज किया, बट प्रो नहीं मिला। तो क्योंकि चंडीगढ़ में भी जहाँ से मैंने लिया, सिर्फ उनके पास 45 पीसेस थे, तो बीसी बात है लाइन लंबी थी, तो मुझे सिर्फ फिर 16 प्लस से काम चलाना पड़ा। कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे, 16 प्रो भी लेंगे बहुत जल्दी। और हाँ, थोड़ा बहुत कैमरा क्वालिटी, अभी शूट करो तो अभी तो पता नहीं चलेगी, और मैं इसलिए मैंने लो लाइट में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके लो लाइट का फ्रंट कैमरा का देखना था कि किस तरह से करता है, चाहे अच्छी बनाए बुरी बनाए। इस टाइम 4K पे शूट कर रहा हूँ और ड्राइव भी कर रहा हूँ और आप लोगों से बात भी। और ये जो ऑडियो क्वालिटी है, ये आप इंटरनल माइक से नहीं, एक्सटर्नल माइक से सुन रहे हैं अभी, क्योंकि दो रिव्यूज़ आएंगे, क्योंकि मैंने फिर एक माइक भी लिया आज ही, एक माइक भी परचेज किया है डिजीटेक का, उसका यूज़ कर रहा हूँ, और एक खुद के लिए फ़ोन। तो अगर इसी तरह आप लोगों का प्यार बना रहा तो बहुत जल्दी और भी चीज़ें अपग्रेड की जाएंगी। अगर मैं बात करूं कितने का पड़ा, तो ये मुझे, मैंने 256 GB वाला वेरिएंट लिया, और ये मुझे कॉस्टिंग की 90,000 की, और ये जो माइक लिए ये मैंने लिए 3,000 के, यानी टोटल आज अपने ही बर्थडे पे मैंने 93,000 का खर्चा कर दिया। अच्छा भी है, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो करना भी चाहिए, अपने शौक भी पूरे करने चाहिए साथ के साथ, क्योंकि ये लाइफ है। और इस टाइम ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अभी मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ, बैक कैमरे से सॉरी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, और मैं ट्रैफिक में ड्राइव कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग करना बहुत चैलेंजिंग होता है ट्रैफिक में, और वो भी खासकर डेली ब्लॉग, वो भी आप ट्रैवल ब्लॉग यानी मोटो ब्लॉग के जरिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, टेक केयर।